नमस्ते प्यारे और सहयोग करके आगे बढ़ रहे बच्चों। तो सहयोग का जीवन में बहुत महत्व है, हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, पर जहां पर सहयोग खत्म हो जाए वहां बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर हम दूसरे को रास्ता नहीं देंगे तो निश्चित है हमारा रास्ता भी साफ नहीं होने वाला है। तो हर जगह इस सेंस की बहुत जरूरत है कि एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। केकड़ों के बारे में तुमको पता है, केकड़ों को पकड़ने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस एक गड्ढा खोद के जो केकड़ा पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, उस गड्ढे में छोड़ देते हैं। हालांकि एक इंडिविजुअल केकड़ा है तो वो तो निकल जाएगा, पर एक से ज्यादा है तो वो वहीं रहेंगे, सुनिश्चित है ये। मतलब क्योंकि जैसे ही एक निकलने की कोशिश करता है दूसरा उसको पकड़ के खींच लेता है। तो हमें उसके विपरीत क्या करना है, सहयोग करना है। तो आज की डेट लगाओगे, सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। आज के दिन बहुत से बैंक अलग अलग स्कीम चालू करते हैं बच्चों के लिए स्पेशली। अगर किसी का अकाउंट अभी तक नहीं खुला हुआ है तो कई बैंक में सुविधा होती है, जीरो बैलेंस पे वो अकाउंट खोलते हैं। प्लस कई बैंक ये भी रखते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी समय से परंपरा है, वो एक किट देते हैं जिसमें पेंसिल स्केल ऐसे कुछ या ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह। तो एनकरेज करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज बैंक में होती हैं। तो अगर किसी को बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आज का दिन इसके लिए सही है, बाल दिवस के दिन स्पेशली बच्चों के लिए स्कीम्स होती हैं। तो जहां हमने छोड़ा था, पढ़ना शुरू करते हैं, पोलराइजेशन पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें तुमने रिप्रेजेंटेशन सीखा था कि कैसे अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाएंगे, कैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दिखाएंगे, इसके नोटेशन हमने सीखे। तो उसे आगे की बात करते हैं। पोलराइजेशन अगर प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग पोलराइज्ड लाइट। पांच अलग अलग तरीके हैं जिनको हमें समझना है। एक तरीका फुल डिटेल में, बाकी इंट्रोडक्टरी लेवल तक समझने। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग पोलराइजेशन ऐसे लिख सकते हो, या मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग पोलराइज लाइट ऐसे लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, उन पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो तुम पेज के हेडर पर लिख सकते हो स्टार मार्क करके, जहां पे टॉप मार्जिन ज्यादा है तो टॉप मार्जिन पे, बॉटम मार्जिन ज्यादा है तो फुटर पे लिख सकते हो। ये पोलराइजेशन ही वो फिनोमिना है जो ये प्रूव करता है कि जो लाइट है उसका नेचर ट्रांसवर्स है। यानी कोई भी वेव है, अगर हमें ये प्रूव करना है कि वो ट्रांसवर्स है तो उसका जजमेंट कैसे लेंगे, अगर उसको पोलराइज किया जा सकता है तो ट्रांसवर्स है और पोलराइज नहीं किया जा सकता तो लॉन्गिट्यूडनल। तो तुम लिख सकते हो स्टामा करके, पोलराइजेशन इज प्रूफ ऑफ, पोलराइजेशन इज प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स नेचर, पोलराइजेशन इज प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव। बट साउंड हैज लॉन्गिट्यूडनल नेचर, बट साउंड हैज लॉन्गिट्यूडनल नेचर कॉमा, सो इट कांट बी पोलराइज्ड।
So it can't be polarized. क्योंकि उसमें longitudinal nature है, उसको हम polarize नहीं कर सकते। इसको हम समझते हैं, इसमें है क्या problem, क्या है mechanical example से समझते हैं, जिससे आगे के लिए और clarity आएगी। मान लो मेरे पास एक गत्ता है कार्डबोर्ड, सभी समझते हैं कार्डबोर्ड, तुमने बचपन में छोटी क्लास में कई प्रोजेक्ट बनाए, झोंपड़े बनाए कार्डबोर्ड से, बेस होता था कार्डबोर्ड का, ऐसे पकड़ के लेके जाते थे स्कूल में, प्रोजेक्ट बनाते थे। तो उस कार्डबोर्ड में एक स्लिट काटे हमने, जिरी। अब कार्डबोर्ड मेरे पास नहीं है, तो मान लो वो जो स्लिट है वो जिरी ये है, ये दिस इज ओपनिंग, बाकी पार्ट क्लोज है, ये जिरी। इसमें से होकर एक रस्सी निकाली, ऐसे दो कार्डबोर्ड है मेरे पास, दोनों में झिरी कटी हुई है। इसमें से होकर रस्सी निकाली, रस्सी उधर बंधी हुई है कील पर, रस्सी का दूसरा छोर मेरे हाथ में है, मैं यहां से ऐसे वेव करता हूं, तो इसमें एक वेव बनती है, क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में चलती है, यानी ट्रांसवर्स नेचर है। अगर स्प्रिंग होती कंप्रेशन रेयर फैक्शन की फॉर्म में चलती तो लॉन्गिट्यूड, अगर कंप्रेशन रेयर फैक्शन जा रहे होते तो स्लिट को मैं ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, डजंट मैटर, वेव उधर निकल ही जाती, कंप्रेशन रेयर फैक्शन। तो अगर साउंड है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा स्लिट किस डायरेक्शन में, जितना एम्पलीट्यूड इधर आएगा उतना एम्पलीट्यूड उधर निकल जाएगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन वो वाइब्रेशन हो रहे हैं, अगर उनको रोकेंगे तो वेव ही रुक जाएगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते, उसमें वन साइडनेस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर ये जो ट्रांसवर्स नेचर है, अगर ये ऐसे गया ऐसे ही आ रहा है, स्लिट भी इसके अलोंग है, तो इधर रस्सी में वाइब्रेशन निकल जाएंगे ऐसे कैसे, पर अगर मैंने स्लिट को 90 डिग्री से घुमा दिया तो यहां तक तो आएंगे वाइब्रेशन, इसके बाद रस्सी स्ट्रेट, तो वाइब्रेशन इसके बाहर नहीं जा पाए। एक्सटेंड करते हैं एक्सपेरिमेंट को, सभी जानते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, नहीं जानते तो घर पे चिमटा देखा होगा, रोटी सेकने वाला, पापड़ सेकने वाला, पापड़ को सेकने की कला क्या है, जितनी फास्ट पलटोगे गैस पर उतना कम जलेगा, अच्छा सेकेगा, जल्दी जल्दी पलटना पड़ता है, तो चिमटे से पकड़ लेते हैं। तो वो जो चिमटा है एक तरह का ट्यूनिंग फॉर्क है। तुम्हारे एडवांस में एक क्वेश्चन था पहले, क्या ट्यूनिंग फॉर्क की प्रॉन्ग का वाइब्रेशन 1 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड का हो सकता है, अभी है कि नहीं मेरे को नहीं पता, शीट में पहले था। तो जो ट्यूनिंग फॉर्क जो लैब में हम इस्तेमाल करते हैं उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड तो बहुत कम होता है, पर चिमटे में हो सकता है, आवाज भी आती है कान के पास, तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, उन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। किस पर डिपेंड करती हो तुम्हें पता है, मास पर और लेंथ ऑफ प्रॉन्ग पर किस तरह से डिपेंड करती है। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उससे रिलेटेड मेल्डीज एक्सपेरिमेंट करके 11th में होता है, अगर तुमने सुना हो, सुना है तो अच्छा, नहीं सुना तो मान लो ऐसा कुछ होता है। तो मेल्डीज एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉक को हमने हॉरिजॉन्टल रखा, दो प्रॉन्ग क्यों होती है ट्यूनिंग फॉक में, एनर्जी यहां से यहां जाती है, यहां से यहां आती, रेजोनेंस के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो अगर दो प्रॉन्ग नहीं होगी, एक ही प्रॉन्ग होगी तो वाइब्रेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, दो प्रॉन्ग होगी तो वाइब्रेशन मेंटेन रहेंगे, थोड़े समय तक होते रहेंगे। तो ट्यूनिंग फॉक को ऐसे रखा, रस्सी बंधी हुई है, ट्यूनिंग फॉक की प्रॉन्ग वाइब्रेट कर रही, तो रस्सी में ये वाले ऑसिलेशन सेट हो गए। हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट और किया कि ये वाले ऑसिलेशन भी सेट हो गए, यानी अभी क्या हो रहा है, उस स्ट्रिंग में दोनों तरह के वाइब्रेशन है, ये वाले भी हैं और ये वाले भी हैं, और यहाँ पर वो एक गत्ता लगा दिया उसमें से उसको पास किया, तो यहाँ तक जब वेव आएगी तब तक तो दोनों वाले रहेंगे, और इसके बाद जाएगी तो सिर्फ ये स्टॉप हो जाएंगे, और उसको ऐसे कर दिया तो ये वाले बच जाएंगे, ये वाले स्टॉप हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, यहां तक तो है अनपोलराइज्ड वेव और इसके बाद है पोलराइज्ड वेव, तो इस गत्ते को क्या बोलेंगे, पोलराइजर। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, मेरे पास दूसरा गत्ता भी है जो एनालाइजर का काम करेगा, कैसे, इसको तो मैंने ऐसे लगा दिया, इधर ये वाले वाइब्रेशन जा रहे हैं, अब मैं यहां पर इस गत्ते को भी पिरो देता हूं उसी रस्सी में, अगर मैं दोनों के स्लिट पैरेलल कर देता हूं तो मैं देखता हूं कि जितना यहां तक आ रहा है वही जा रहा है, इधर भी जा रही है वेव, पर जैसे जैसे घुमाऊंगा कंपोनेंट ही निकल पाएगा, एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, और परपेंडिकुलर कर दूंगा तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, मतलब इधर स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको एक चक्कर पूरा घुमाता हूं तो एक चक्कर में 360 डिग्री एंगल में दो सिचुएशन के लिए, एक तो ये 180 डिग्री और एक ये 0 डिग्री,
इसके साथ पोलराइजर के पास एक्सेस के साथ, इसको पास एक्सेस कहेंगे। दो सिचुएशन में तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी उधर, और दो सिचुएशन 90 एंड 270 इंटेंसिटी विल बी जीरो। तो अगर एक पूरा चक्कर घुमाने पर दो बार इंटेंसिटी मैक्सिमम या दो बार मिनिमम हो जाती है, तो हम बोलेंगे जो लाइट इस पर आकर गिर रही है, लाइट पे चले जाओ सीधे, तो वो लाइट कैसी है? प्लेन पोलराइज्ड। तो पूरे एक्सपेरिमेंट को दोबारा से समझते हैं। उधर से लाइट आ रही है, वेव नहीं, अभी तक वेव इधर से जा रही थी, अब मान लो उधर से आ रही लाइट आ रही है। मेरे पास एक पोलराइड शीट है, कहां से मिलेगी तुमको? कैलकुलेटर, पुराने कैलकुलेटर की स्क्रीन निकाल लो, पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वॉच की स्क्रीन निकाल लो, नहीं तो वो जो ब्रिक गेम तुम खेलते थे, वीडियो गेम जिसमें अलग अलग तरह के वो शेप बनते थे, उसकी पुराने पुराना खराब हो गया तो उसकी स्क्रीन निकाल लो, ग्रे कलर की वो स्क्रीन, वो पोलराइड शीट है। उसमें एक सर्टेन पास एक्सेस है, उसके अलॉन्ग लाइट आएगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, घूम गया तो लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, अगर इंसिडेंट लाइट पोलराइज है। माना कि उधर से अनपोलराइज लाइट आ रही है, यहाँ मेरे पास वो पोलराइड शीट है जिसमें पास एक्सेस है, मैं इसको एक पूरा चक्कर घुमाता हूँ। तीन ऑब्जर्वेशन मुझे मिल सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, पूरा चक्कर घुमाया तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ? इधर से जो लाइट निकल कर मेरी आंखों तक पहुंचती है उसकी इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट। रीजन, उधर से जो लाइट आ रही है, मैं कंक्लूड करता हूँ आने वाले लाइट अनपोलराइज्ड है, जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन ऐसे वाले भी, ऐसे वाले भी, ऐसे सभी डायरेक्शन में है, तो जिस भी ऑरिएंटेशन में मैं इसको रखता हूँ वो वाले वाइब्रेशन पूरे निकल के आते हैं, बाकी वाइब्रेशन रुक जाते हैं, तो इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है। हालांकि उधर इंटेंसिटी अगर आई जीरो है तो इधर इंटेंसिटी जो रहेगी वो आई जीरो बाई टू रहेगी। कैसे? फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, आधी हो जाएगी पर सेम रहेगी हर एंगल के लिए। तो मैं कंक्लूड करूंगा अगर हर एंगल के लिए सेम है तो आने वाली लाइट कैसी है? अनपोलराइज्ड। दूसरा ऑब्जर्वेशन, मान लो बीच में पहले इसको तो एनालाइजर की तरह यूज कर रहा था, बीच में एक पोलराइजर लगा हुआ है, मुझे नहीं पता ऐसा लगा हुआ है, तो इधर से मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? जब मैं पूरा एक चक्कर घुमाऊंगा, जब ये ऐसे होगा और ऐसे होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, और ऐसे होगा या ऐसे होगा तो जीरो, और बाकी जगह थोड़ी कम, तो मेरा ऑब्जर्वेशन लाइट को जब मैं देखता हूँ, इंटेंसिटी पूरे एक चक्कर में दो बार तो जीरो हो जाती है, दो बार मैक्सिमम हो जाती है। मैं कंक्लूड करता हूँ, निष्कर्ष निकालता हूँ कि आने वाली लाइट प्लेन पोलराइज है, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन, मुझे नहीं पता उधर पोलराइजर लगा है कि नहीं लगा, मैं एनालाइजर मेरे हाथ में, मैं उसे देख रहा हूँ, पूरे एक चक्कर में मैंने ऑब्जर्व किया इंटेंसिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, पर जीरो नहीं हो रही, तो मैं कंक्लूड करूंगा आने वाली लाइट पार्शियली, आंशिक रूप से पोलराइज। तो तीन सिचुएशन हो सकती है, फुली पोलराइज, पार्शियली पोलराइज, अनपोलराइज, जिसको हम जज कर सकते। तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट मेलस ने किया, जो तुम भी कर सकते हो। मेलस ने वही एक पोलराइड शीट को लिया, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि पानी भरा हुआ कहीं वाटर बॉडी, तालाब की सरफेस, वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट आ रही थी उसको पोलराइड शीट के थ्रू देखा, शीट को घुमाया, उसने ऑब्जर्व किया कि लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहा था, सनलाइट पड़ रही थी तालाब पर, रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, उसको पोलराइड शीट के थ्रू देख रहा था बीच में ऐसे लगाकर, तो उसने ऑब्जर्व किया इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है, उसने कंक्लूड किया लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। मेलस के काम को आगे बढ़ाया ब्रूस्टर ने, ब्रूस्टर ने एंगल भी चेंज किया देखने का, देखने का एंगल चेंज करेगा तो आने का एंगल अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हालांकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, पर देखने के एंगल पर हमारा कंट्रोल है, तो उसको चेंज करेंगे तो आने वाला एंगल अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो ब्रूस्टर ने ऑब्जर्व किया एक पर्टिकुलर एंगल, जैसे एंगल चेंज करता है तो वो जो अमाउंट है इंटेंसिटी कम होने का वो बढ़ता है या फिर घटता है, और एक पर्टिकुलर एंगल जिसको उसने नाम दिया ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल, उस पर देखें तो पूरा चक्कर घुमाने पर दो बार इंटेंसिटी जीरो हो जाता है। तो कंक्लूड किया कि अभी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इस पर्टिकुलर एंगल के लिए वो कैसी है? कंप्लीटली पोलराइज्ड। फिर उस पर बेस्ड उसने अपना लॉ दिया, उसने लिंक किया उस एंगल आई बी को उस मटेरियल के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ट्रांसपेरेंट मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू के साथ, एक फॉर्मूला दिया म्यू इक्वल टू 10 आई बी, जिसे हम ब्रूस्टर लॉ के नाम से जानते हैं। उसने ये भी बताया कि इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बी पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है हम तक और जो रिफ्रेक्ट होकर जा रही है ट्रांसपेरेंट मीडियम में, वो
ऑर्थोगोनली जाएंगे, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएंगे। तो ये सारी बातें हमको लिखनी है, समझनी है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन, पहला मेथड पोलराइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए रिफ्लेक्शन। इसके अलावा और चार मेथड है जिनको हम पढ़ेंगे। पहला है रिफ्लेक्शन, जिसमें तुम लिख सकते हो मेलस, MALUS, मेलस ये साइंटिस्ट का नाम है, M कैपिटल आएगा। Malus observed that the light reflected from surface of a transparent medium, light reflected from surface of a transparent medium is, अगर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है तो बताओ, पार्शली या फुली पोलराइज्ड? क्या ऑब्जर्व किया था मेलस ने? पार्शली, वेरी गुड, मतलब तुम इन्वॉल्व हो, पार्शली पोलराइज्ड, आंशिक रूप से पोलराइज्ड होती, पार्शली पोलराइज्ड। कैसे पता चला? इंटेंसिटी जीरो नहीं हो रही थी, कम हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, इज पार्शली पोलराइज्ड। पैराग्राफ चेंज, नेक्स्ट लाइन, ब्रूस्टर, BREW, ब्रूस्टर, BREWSTER, ब्रूस्टर फाउंड दैट विद चेंज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, विद चेंज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉमा द अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन also changes. The change in angle of incidence, the amount of polarization also changes. And for a particular angle of incidence, bracket में छोटा i subscript b, कई बार आई बी से दिखाते हैं, कई बार आई पी से दिखाते हैं। बी दिखाएंगे तो बोलेंगे ब्रूस्टर एंगल, पी दिखाएंगे तो बोलेंगे पोलराइजिंग एंगल। एंड फॉर ए पर्टिकुलर एंगल, ब्रैकेट में आई सबस्क्रिप्ट बी, ब्रैकेट बंद, लिखोगे ब्रूस्टर एंगल। अब ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो बी छोटा आएगा, जहां साइंटिस्ट का नाम होगा तो बी बड़ा आएगा। ब्रूस्टर एंगल एक एंगल का नाम है, ये समझना, ब्रूस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल। कॉमा द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड As shown करके डैश लगा दो, एक डायग्राम बनाना है तुमको। As shown, एक सिंपल सा डायग्राम है, एक रेक्टेंगुलर बॉडी दिखाओ। मान लो ये कोई टैंक है जिसमें कोई लिक्विड फिल्ड है जिसके मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को एन से दिखाना चाहो दिखा सकते हो। ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट इंसिडेंट है, तुम पहचान सकते हो रिप्रेजेंटेशन से कि लाइट नेचर में कैसी है। हाँ, अगर तुमने पहचान लिया है तो ये तुम्हारी उपलब्धि है, तुम इस पे गर्व कर सकते हो कि हाँ तुमने सीखा। तो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, ये इधर आ रही है दिखाने के लिए, मैं एरो बना देता हूँ। कुल मिलाकर मैंने चार डबल हेडेड एरो और चार डॉट्स इसमें बनाए हैं, अगर मैं डायग्राम को लॉजिकल बनाना चाहता हूं। नॉर्मल दिखाएंगे सरफेस पर, ये पॉइंट ए पर आकर इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है एन। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस
आई बी के बराबर है पर्टिकुलर पोलराइजिंग एंगल आई बी, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके डेफिनेटली आई बी पर ही जाएगी, दिस एंगल इज ऑल्सो आई बी। तो ग्रिस्टर ने पता लगाया ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट बीम है ये उन वाइब्रेशंस को ले जाती है जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होते हैं। तुम देखो दो तरह के वाइब्रेशंस हैं, एक जो बोर्ड के प्लेन में उनको हमने डबल हेडेड एरो से दिखाया, दूसरे वो वाइब्रेशन है जो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है उनको हमने डॉट से दिखाया। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होना, यानी ये सिर्फ डॉट्स ले जाती। तो हम बोलेंगे ये कैसी हो गई, प्लेन पोलराइज्ड हो गई, जबकि जो रिफ्रैक्टेड होगी उसमें क्या बचेगा, ये रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इसमें डबल हेडेड एरो तो ज्यादा होंगे पर तुम्हें समझना होगा कुछ डॉट्स अभी बचे हुए रहेंगे। अगर सिर्फ डबल हेडेड एरो होते तो हम बोलते हैं ये भी पोलराइज्ड हो गई, पर वो जो कुछ डॉट्स बच जाएंगे क्योंकि सारे वहां पर नहीं निकल पाते हैं उसकी वजह से हम इसको बोलेंगे पार्शियली पोलराइज्ड। तो रिफ्रैक्टेड वाली होगी पार्शियली पोलराइज्ड और रिफ्लेक्टेड वाली होगी कंप्लीटली पोलराइज्ड। ब्रूस्टर ने ये भी पता लगाया कि अगर मैं इस एंगल को जो सरफेस से बना रही रिफ्लेक्टेड रे x से मार्क करता हूं, जो रिफ्रैक्टेड बना रही सरफेस से उसको y से मार्क करता हूं, देन x plus y is equal to 90 degree। इसे हम प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ आता है दो नंबर में, वो भी करने वाले हैं। तो डायग्राम पूरा बन चुका है, तुम लैंग्वेज लिख सकते हो। डायग्राम का इनिशियलाइजेशन तो हमने शुरू में ही कर दिया था एज शोन। ब्यूस्टर ने अपने लॉ को किस तरह से दिया, ब्यूस्टर लॉ जो पूछा जाए म्यू इक्वल टू 10 आईबी को कैसे लिखना होगा, प्लस और जो दो बातें उसने बताई उसको कैसे शामिल करेंगे। तो डायग्राम बनाने के बाद लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो ब्रूस्टर आल्सो फाउंड दैट, उसने ये भी पता लगाया, ब्रूस्टर आल्सो फाउंड दैट the reflected ray takes the vibrations, reflected ray takes the vibrations which are perpendicular to plane of incidence, takes the vibrations which are perpendicular to plane of incidence and the reflected and refracted rays and the reflected and refracted rays move orthogonally। अगर orthogonally वर्ड से फैमिली नहीं हो तो तुम लिख सकते हो हाँ perpendicular, 90 degree angle बनाते हो। full stop। He also gave a relation, उसने एक relation भी दिया, He also gave a relation between IB, I subscript B and He also gave a relation between IB and refractive index mu of the transparent medium, refractive index of the transparent medium, refractive index mu of the transparent medium as करके dash लगा के अगली line में तुम्हें लिखना है mu equal to 10 IB, इसको block में बंद करना है। देखो B subscript में तो subscript में ही दिखना चाहिए, यानी कि तुम I के साथ लिख दो B, इसको इंडिकेट करके लिखोगे इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ, इसी को हम जानते हैं ब्रूस्टर्स लॉ के नाम से।
तो अब दो नंबर में हमको प्रूव करना है, जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं बाईडायरेक्शनल है। अगर तुम्हें ये दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 10 IB, तो तुम्हें प्रूव करना होता है x plus y equal to 90। और कभी रिवर्स भी आता है, x plus y equal to 90 दिया होता है तो तुम्हें प्रूव करना होता है म्यू इक्वल टू 10 IB। तो तुम लिखोगे दो नंबर में टू प्रूव उसके नीचे x plus y equal to 90 degree। कैसे प्रूव करेंगे? ब्रूस्टर लॉ तो हमारे पास है ही सही, स्नेल्स लॉ लगा देंगे पॉइंट ए पर रिफ्रैक्शन जहां है, तो तुम लिख सकते हो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए वी गेट mu equal to sine of IB upon sine R equation 1 and from Brewster's law से मैं लिख सकता हूँ mu equal to एक स्टेप खा जाते हैं, टेन आई बी लिखने के बजाय डायरेक्टली उसको लिख देते साइन आई बी अपॉन कॉस आई बी, साइन आई बी अपॉन कॉस आई बी इक्वेशन टू, दोनों से म्यू को एलिमिनेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन इन टू, हमें रिजल्ट मिलता है sin IB upon sin R equal to sin IB upon cos IB। ये केवल तभी पॉसिबल है जबकि sin R cos IB के बराबर, फिर से एक स्टेप खा जाते हैं यहाँ पर, कंपेयर करने के लिए दोनों को sin में या दोनों को cos में बदलना होगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, मैं cos IB को लिख देता हूँ sin 90 माइनस आई बी ऐसा लिख सकते। तो अभी दोनों साइड कंपेयर करने पे रिजल्ट मिलता है हमको R प्लस आई बी इक्वल टू 90, पर हमें तो प्रूव करना था x प्लस y इक्वल टू 90। अगर हम ध्यान से डायग्राम को देखें तो R इज नथिंग बट 90 माइनस y, आई बी इज 90 माइनस x, तो पिक्चर में से r और ib को हटाकर हम लेकर आ गए x और y को, तो फाइनल स्टेप हमको मिलती है 10 x plus y equal to 90, ब्लॉक में बंद कर देंगे एंड प्रूफ। इस प्रूफ को रिवर्स डायरेक्शन में अगर तुम चलाओ तो ये तो गिवन हो जाएगा और उससे तुमको मिल जाएगा म्यू इक्वल टू 10 आई बी, ब्रूस्टर लॉ तुम प्रूव कर सकते। तो ये हमने सीखा रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन कैसे होता है, ब्रूस्टर लॉ को सीखा, रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन को सीखा, और चार मेथड है जो हमको सीखने। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन, सेकेंड मैथड। रिफ्रैक्शन सभी ने कांच वाले की दुकान देखी है जहां पर कांच की बड़ी बड़ी स्लैब दीवार के सारे वर्टिकल लगी रहती है, जहां से वो कांच काट काट के देता है। अगर तुमने गौर से देखा हो तो पर्टिकुलर एंगल से देखने पर, मान लो वो ट्रांसपेरेंट व्हाइट ग्लास है तो भी अगर उसकी बहुत सारी स्लैब्स हैं तो उससे निकलने वाली लाइट में वही ग्रेश लुक होता है जो कि कैलकुलेटर की स्क्रीन से निकलने वाली लाइट में होता है, ग्रेश लुक।
यानी वो लाइट होती है पोलराइज्ड। और दूसरा एग्जांपल से ऐसे समझो, मैं एक के बाद एक ग्लास लगा हुआ है, तो बार बार अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है सेम एंगल पर, तो अल्टीमेटली होना क्या है, सारे डॉट्स खत्म हो जाएंगे रिफ्लेक्ट होके, तो रिफ्रेक्टेड लाइट में बचेंगे सिर्फ डबल हेडेड एरो, तो वो भी पोलराइज हो जाएगी। तो तुम्हें पता है पहले ब्लड टेस्ट कैसे होता था, आजकल नए नए तरीके आ गए, पहले क्या करते, पिन चुभ होते थे उंगली या अंगूठे पे, फिर कांच की लाइट होती थी उस पर वो ब्लड डॉट लगवा लेते थे, उसको स्प्रेड करके फिर उसको देखते थे, स्लाइड बनती थी। तो मान लो वो स्लाइड है कांच वाली, एक नहीं है, चार पांच स्लाइड तुम्हारे पास है, तुमने पहली स्लाइड को यहाँ रखा कुछ एंगल पर इस तरह से कि ये जो नॉर्मल है, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है वो उसके साथ जो एंगल बना रही है वो आई बी है, तो अब क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कुछ डॉट ले जाएगी इसमें से, और जो रिफ्रेक्टेड है वो पार्शली पोलराइज होगी। फिर तुमने सीखा है लेटरल डेविएशन का एक्सप्रेशन जब निकाला था, कोई ग्लास स्लैब होती थी तो जिस एंगल पर लाइट आ रही होती थी, यहां भले ही ऑफसेट आएगा पर निकलेगी किस पे, सेम एंगल पर निकलेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहां से भी सेम एंगल पर निकलकर अगर मैंने लाइन से एक और स्लाइड यहां लगा दी, तो उस पर भी किस एंगल पर इंसिडेंट होगी, आई बी पर, तो उसकी सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसके लिए भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, I इक्वल टू आई बी। तो अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो कुछ डॉट्स इसमें चले जाएंगे। ऐसा अगर मैंने 3-4 बार किया तो सारे डॉट्स खत्म हो जाएंगे, तो बाकी जो बचे उसमें क्या बचेंगे, सिर्फ डबल हेडेड एरो। तो थ्रू रिफ्रैक्शन अब जो रिफ्रैक्टेड लाइट मिल रही है वो कंप्लीटली पोलराइज मिलेगी। तो रिफ्रैक्शन के थ्रू हम ऐसे पोलराइजेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो तुम्हें सिर्फ समझना है, नाम याद रखना है, ऐसा कुछ हो सकता है वो याद रखना है, इससे ज्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना। हाँ, एक काम और कर सकते हो रेफरेंस साइड में, जैसे एक नया फॉर्मूला तुमको अभी मिल गया तो तुम पुराने फॉर्मूले के साथ इसका लिंक बना सकते हो, वो तुम रेफरेंस साइड में लिख सकते हो। तुम्हें पता है म्यू था सी बाय वी, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं कि 1/sin IC तो ये हो गया 10 IB, तो क्रिटिकल एंगल और ब्रूस्टल एंगल लिंक हो गए दोनों। और अगर हम रिलेटिव वाली बात करें तो स्पीड को भी लिंक कर सकते हैं, μ21 equal to μ1 equal to v1 upon v2 equal to λ1 upon λ2 equal to 1 upon sin IC equal to 10 IB। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले लिंक हो जाते हैं, जरूरत पड़ने पर जो भी फॉर्मेट हमको चाहिए हम यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हें ब्रूस्टर एंगल पता है तो क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो, क्रिटिकल एंगल पता है तो ब्रूस्टर एंगल निकाल सकते हो, पोलराइजिंग एंगल निकाल सकते हो। वापस यहाँ पे आते हैं, दो मेथड हमने सीखे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन में डिटेल में पढ़ा, तीसरा मेथड डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन नाम से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सोचते हैं जैसे डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा था 11th क्लास में कि दो बार डिफरेंशिएट कर दो, तो ऐसा नहीं है कि दो बार रिफ्रैक्शन हो जाए, यहां तो ऑलरेडी मल्टीपल हो रहा था, यानी दो बार रिफ्रैक्शन लिखना होता तो यहीं पर कंसिडर कर लेते। दो बार रिफ्रैक्शन होने पर गारंटी नहीं है कि जो निकलने वाली रे होगी वो कंप्लीटली पोलराइज होगी, तो इसका मतलब कुछ और है, वो क्या है वो समझेंगे। पर इसका एक और नाम है, वो भी तुम्हें यही लिखना है, दोनों नाम पता होने चाहिए, बाई रेफ्रिंजेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज बाई रेफ्रिंजेंस। तो तुम्हें समझना होगा कुछ विशेष क्रिस्टल्स में, जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल,
उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। मान लो अगर ये कैल्साइट क्रिस्टल है तो वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि जब इस पर लाइट इंसिडेंट होती है तुम पहचान सकते हो कैसी लाइट, अनपोलराइज, क्योंकि डॉट्स भी हैं, डबल हेडेड एरो भी है। ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये क्रिस्टल इस लाइट रे को दो लाइट रेज में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। होना क्या चाहिए था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर फॉलो करें तो एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए था इसका, तो रिफ्रैक्टेड लाइट जानी चाहिए थी सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर एंगल पर ये एक नहीं दो बीम भेजता है। एक बीम एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन ले जाती है, उसमें सिर्फ डबल हेडेड एरो होते हैं, दूसरी बीम दूसरी डायरेक्शन के वाइब्रेशन ले जाती है, उसमें सिर्फ डॉट्स होते हैं। और जब ये बाहर निकलेंगी फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और ये दोनों लाइट बीम कैसी होंगी, मैं यहां पर बेंडिंग नहीं दिखा रहा, बेंडिंग होती है, डायग्राम इज नॉट अप टू स्केल, नो नीड टू मेक एन एग्जाम, ऐसे तुम्हारे समझने के लिए बना। एक जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रे, सामान्य किरण। जो फॉलो नहीं करती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, असाधारण किरण। ऐसा क्यों हुआ, लिंक करो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज में, जाओ केमिस्ट्री में, जाओ फिजिक्स में, जाओ क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज में तुम जाओगे तो तुमने पढ़ा है क्रिस्टल्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। एनिसोट्रॉपिक होने का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अलग अलग डायरेक्शन के वाइब्रेशन के लिए तुम यहां मान सकते हो कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो गया, जिसकी वजह से दो रेज हो गई, ऐसा कुछ मान सकते हो समझने के। तो कैल्साइट क्रिस्टल में ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या बोलते हैं, बाई रेफ्रिंजेंस, या फिर बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से हमको प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई। एक अनपोलराइज लाइट के कंपोनेंट्स दो डायरेक्शन में रिजॉल्व होकर हमको मिल गए। इसमें बहुत पहले 90s में एक क्वेश्चन था कंपटीशन वाले बुकलेट में, बुक्स में होता था कि कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ पेपर वेट है तुम्हारे पास, कॉपी पर पेज पर शाही का एक धब्बा है, एक स्पॉट, उसके ऊपर तुमने पेपर वेट रखा हुआ है। जब तुम ऊपर से देखते हो तुम्हें दो धब्बे नजर आते हैं, तो तुमसे पूछा था पेपर वेट को घुमाने पर क्या होगा, चार ऑप्शन थे, जिसमें करेक्ट ऑप्शन क्या था कि एक धब्बा तो स्टेशनरी रहेगा, दूसरा धब्बा उसके चारों तरफ गोल गोल घूमता हुआ नजर आएगा, नहीं चारों तरफ घूमेगा, तो कौन सा स्टेशनरी रहेगा, जो ऑर्डिनरी रे बनाएगी, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगी वो घूमेगा। इट इज बिकॉज ऑफ द फिनोमेना डबल रिफ्रैक्शन और बाई रेफ्रिंजेंस। तो ऐसे ही है पोलराइजेशन। फिर हम चलते हैं चौथे मेथड पर, फोर्थ। हाँ, तुम उधर बैठ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ, उधर चले जाओ, कौन तुम इधर। चौथा जो मेथड है हमारे पास वो है डबल रिफ्रैक्शन के बाद सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। फिजिक्स में चीजें आसान है, जो नाम का मतलब होता है वही होता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसे भी एक और नाम से जाना जाता है, डाइक्रोइज्म, डाइक्रोइज्म, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कह लो या इसको कह लो डाइक्रोइज्म। जितनी भी पॉलराइट शीट हम बनाते हैं वो सब इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कैसे समझाता हूं, स्टार मार्क करके उसमें लिखोगे स्टेटमेंट, पॉलराइट्स आर बेस्ड ऑन डाइक्रोइज्म। जैसे तुमने पढ़ा था ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टीआईआर, वैसे पॉलराइट्स आर बेस्ड ऑन डाइक्रोइज्म।
कैसे काम करते हैं पॉलरॉइड्स, कहां होते हैं पॉलरॉइड्स? पॉलरॉइड फिल्म लगाते हैं व्हीकल्स में, पॉलरॉइड के चश्मे बनते हैं, चश्मा पहन सकते हो पॉलरॉइड का, पॉलरॉइड का चश्मा तुम शाम को भी लगा के जा सकते हो, रात में भी लगा सकते हो, वो ग्लेयर को कट ऑफ करता है, चकाचौंध खत्म करता है। तो अगर तुम शाम के वक्त पॉलरॉइड का चश्मा लगाकर जा रहे हो तो सामने से जो ठेले वाला भी जा रहा है तुम्हारे आगे आगे, वो तुम्हें दिखाई देगा। उसमें और गॉगल में जो बेसिक डिफरेंस है वो तुम्हें समझाना। तो जो गॉगल अगर लगा के जा रहे हो तो गॉगल ओवरऑल डार्क कर देगा, तो सामने जो ठेले वाला जा रहा है वो दिखाई नहीं देगा, उसको पीछे से टक्कर मार दोगे। जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी मजबूरी है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कहां पर रहते हैं? ऐसी जगह पर जहां पर रोशनी बहुत तेज पड़ती है, स्पॉटलाइट पर रहते हैं, तो उनकी मजबूरी है रात हो या दिन उनको पूरे टाइम क्या लगाना पड़ता है? गॉगल। पर अगर तुम उनको फॉलो करते हुए शाम के वक्त गॉगल लगा के निकल जाओगे तो टकरे मारोगे लोगों को। अब पॉलरॉइड किस तरह से काम कर रहा है वो समझो। पॉलरॉइड क्या कर रहा है? कंपोनेंट कट ऑफ कर रहा है, और हमारी जरूरत है आज के टाइम में। कई ऐसे बेवकूफ ड्राइवर होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि शहर में हाई बीम पे नहीं चलाई जाती गाड़ी। तुम समझदार हो, तुम्हें पता होगा शहर में कभी भी हम, चाहे वो छोटी गाड़ी है स्कूटी, चाहे वो बड़ी गाड़ी है कार है जीप है कुछ भी है, उसको हाई बीम में नहीं रखते हैं। तो हाई बीम पे रखते हैं तो सामने वाले के आंख पे पड़ेगी लाइट सीधे, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो आसपास कहीं गड्ढा है तो उसमें गिर सकता है, टक्कर मार सकता है, साइड में कोई जा रहा है वो नहीं दिखेगा उसको। एक्सीडेंट्स का मोस्ट ऑफ द टाइम कॉज ये होता है, पर पॉलरॉइड इससे हमको बचा सकता है। कार में अगर पॉलरॉइड शीट है वो कहां पर होती है? विंड स्क्रीन पे ऊपर एक छोटी सी पट्टी होती है। ड्राइवर को जब लगता है कि आंखों को प्रॉब्लम है, सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसकी रोशनी परेशान कर रही है, तो वो सीधे देखने के बजाय उस पट्टी में से होकर देखता है। जैसे हमारे चश्मे में प्रोविजन होता है ना, पास का देखना है तो नीचे अलग लेंस होगा, ऊपर दूर का देखना है तो अलग लेंस होगा, तो वैसे ही वो उसमें पट्टी में से देखकर कंपेंसेट कर देंगे। लाइट का एक कंपोनेंट कट ऑफ हो जाता है, ग्लेयर कट ऑफ हो जाता है। तो पॉलरॉइड बहुत यूजफुल है हमारे लिए। वो जो डार्क फिल्म लगा रहे हैं वो पॉलरॉइड नहीं है, दोनों में अंतर समझ लेना। डार्क फिल्म तो गॉगल जैसी है, पूरे कांच पे चढ़ा देते हैं कई लोग, वो तो गॉगल जैसी है। पॉलरॉइड अलग है, आगे पट्टी से होती है। पॉलरॉइड का चश्मा भी ऐसे अलग से आता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है पॉलरॉइड का चश्मा। तो ये पॉलरॉइड कैसे कट ऑफ कर रहा है उसको ऐसे समझो, तुमने नाम लिखा है सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। हर पॉलरॉइड शीट जो हम बना रहे हैं लॉन्ग चेन ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स से सिंथेटिकली बना रहे हैं, तो लॉन्ग चेन ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने की वजह से उसमें एक प्रॉपर्टी आ गई लाइट को एब्जॉर्ब करने की। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगी? जो लाइट उनके पास एक्सिस के पैरेलल होगी उसको तो जाने देगी, बाकी लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। मान लो ये पॉलरॉइड शीट है और इस पर आकर इंसिडेंट है अनपॉलराइज्ड लाइट, डबल एंडेड एरो डॉट। मान लो इस पॉलरॉइड शीट का जो पास एक्सिस है वो है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, यानी डॉट्स को सपोर्ट कर रहा है, तो ये डॉट्स तो निकल जाएंगे ऐसे क्या ऐसे। पर ये जो डबल हेडेड एरो इनका क्या होगा? इनका एम्पलीट्यूड कम होते होते ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी सर्टेन थिकनेस मैटर करेगी पॉलरॉइड शीट, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो ग्लेयर कट ऑफ हो जाएंगे, कंपोनेंट कट ऑफ हो गया। सेलेक्ट करके एब्जॉर्ब कर लेना। नेक्स्ट अगला मेथड जो है पांचवा मेथड का डायग्राम दो नंबर में आता है बोर्ड में, कई बार पूछा जा चुका है सवाल। फिफ्थ मेथड इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मैं तुम्हें विजुलाइज करा रहा हूं, डायग्राम एनसीईआरटी से तुम्हें तैयार करना, खुद नोट लगा दो, रेफर एनसीईआरटी एंड प्रिपेयर इट्स डायग्राम। बस एक डायग्राम आते हैं, एक्सप्लेनेशन पूरा मैं यहां पे तुम्हें दे रहा हूं, समझा रहा हूं कैसे ये होगा। तुमने सीखा है स्कैटरिंग एक फिनोमेना है जिसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है देन री रेडिएशन होता है। जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एयर के प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं
एब्जॉर्ब करने के बाद रीरेडिएट करते हैं, जब वो रीरेडिएट करते हैं तो फैला देते हैं सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, और उसमें रेली का क्राइटेरिया अगर हम लगाएं तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है उनको ज्यादा फैलाते हैं। स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल टू 1/λ^4, इसलिए आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। तो मान लो ये घड़ी जो है ये सन है, मेरे पास पोलराइट शीट है वो वीडियो गेम वाली, मैं डायरेक्टली सन को नहीं देख रहा, मैं क्या करता हूँ यहाँ से जो लाइट आई यहाँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एयर के उन पर गिर रही है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं सनलाइट को, एब्जॉर्ब करके रीरेडिएट कर रहे हैं, मैं उसको 90 डिग्री पर देख रहा हूँ। इसी का डायग्राम है एनसीईआरटी में जो तुम्हें बनाना है, प्रैक्टिस करना है। 90 डिग्री पर पोलराइट शीट से देख रहा हूँ घुमाकर, मैंने पूरा एक चक्कर घुमाया 360 डिग्री से, मेरा ऑब्जर्वेशन ये कि दो बार इंटेंसिटी जीरो हो गई, दो बार मैक्सिमम। कंक्लूजन ये कि जो लाइट आ रही है मुझ तक वो कैसी है, पोलराइज्ड है। तो उसके बेसिस पर मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि सिर्फ एक ही फिनोमेना हुआ है स्कैटरिंग, और उसके बाद लाइट मुझ तक पहुंच गई है, मींस पोलराइजेशन किसने प्रोड्यूस किया, स्कैटरिंग। तो ये हमने 5 मेथड सीखे हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट। इसके बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे मैलस लॉ, नेक्स्ट स्टडी मैलस लॉ। सिर्फ एक ही मेथड डिटेल में था, फुल डिटेल में रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा, बाकी का इंट्रोडक्टरी लेवल तक तुम्हें पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है। इसमें स्कैटरिंग में डायग्राम बनाना आना चाहिए जो तुम एनसीईआरटी से देख के बना लोगे, यही वाला डायग्राम है विजुलाइजेशन जो मैंने तुमको दिया। तो अभी तुम्हें लिखना है मैलस लॉ, MALUS मैलस लॉ। सिलेबस में मेंशन नहीं है, बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं, पर हर साल इस पे सवाल आता है। तो मैलस लॉ बड़ा सिंपल सा है, उसको कैसे यूज करना वो सीखोगे लिखोगे। अकॉर्डिंग टू इट ATI शॉर्ट फॉर्म बना रखा हमने, अकॉर्डिंग टू इट कॉमा इफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन ए पॉलीरॉइड, लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन ए पॉलीरॉइड कॉमा देन लाइट ऑफ इंटेंसिटी कैपिटल I सबस्क्रिप्ट 0 is incident on a polaroid, then intensity of emergent light, जो बाहर निकलेगी, intensity of emergent light is given as, intensity of emergent light is given as I equal to I0 cos square theta, I equal to I0 cos square theta, ये expression block में बंद कर दी। अब यहां तुम्हें पता है कि I तो इमर्जेंट लाइट है, I0 इंसिडेंट लाइट है, अब पता क्या करना है, थीटा क्या है वो क्लियर नहीं, मेंशन करेंगे वेयर थीटा है, वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन पास एक्सेस, एक्सेस का प्लूरल होता है एक्सेस, थीटा इज द एंगल बिटवीन पास AXES एक्सेस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, AXES एक्सिस का प्लूरल क्या होता है AXES एक्सिस, पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। जब हमें पता है कि पोलराइजर और एनालाइजर दोनों हैं तब तो वो एंगल निकाल लेंगे इन दोनों के बीच में क्या है, पर हमें नहीं पता पोलराइजर है कि नहीं, हमें हमारे हाथ में सिर्फ एनालाइजर, अब वो लाइट आ गई, उस केस में थीटा किसे मानेंगे, तो लिखोगे और इट इज लिखा पोलराइजर एंड एनालाइजर, और इट इज द एंगल, ये वो एंगल है, और इट इज द एंगल बिटवीन, जो लाइट आ रही है हमें पता चल जाए उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन कौन से डायरेक्शन में, किस प्लेन में, जिसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जो नोटेशन में तुमने सीखा था। तो इट इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इट इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ incident light, plane of vibration of incident light and given polaroid, and given polaroid, तो वो जो angle होगा incident light का vibration हमें पता चल जाए, given polaroid हमारे पास है जो उसका इस्तेमाल analyzer की तरह कर रहे हैं, तो गिवन पॉलराइड जो लिखा है उसका मतलब उस पॉलराइड का पास एक्सेस, उसके साथ एंगल हम निकालना चाहते हैं।
एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल दे दो, एनसीईआरटी में एक सॉल्ड एग्जांपल है वो भी तुम कर लेना, ये इसको समझ लो। ये कोई पॉलराइड है P1, इस पर लाइट आकर इंसिडेंट है, जो लाइट है वो इस तरह की है, यानी अनपोलराइज्ड है, इसकी इंटेंसिटी है I0, तो इसमें तो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो इसका कोई पर्टिकुलर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन नहीं है। तो इधर से जो लाइट निकलेगी वो तुम ये तो जज कर सकते हो कि उसमें सिर्फ वही वाइब्रेशन होंगे, ये पास एक्सिस है P1 का, तो ये वाले वाइब्रेशन बचेंगे, डॉट वाले खत्म हो जाएंगे, पर इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी अगर तुम इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमको यूज करने होंगे यहाँ पे, वो इस तरह से कि इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इसके पास एक्सिस के साथ वो 0 से लेकर 180 सारा एंगल बनाएगा। तो जब सारा एंगल बनाएगा तो इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, एवरेज वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 इंटीग्रेट करके, तो वो आती हाफ मैथमेटिक्स से। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी रह जाएगी आई वो रह जाएगी I0/2। तो हम एक जनरल रूल बना लेते हैं कि जब भी पहली बार अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइड पर जाकर गिरेगी तो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आधी I0/2 रह जाएगी। फिर से आगे चलते हैं, अगर मैंने एक और पोलराइड लगाया इसके रास्ते में इस तरह से थोड़ा गैप के साथ बनाना P2, क्लियरली इन दोनों के पास एक्सिस क्रॉस्ड है 90 डिग्री, ये ऐसे दो ऐसे, तो दोनों के बीच थीटा कितना है 90 डिग्री। मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने थीटा 0 रेफरेंस है और यहाँ लिखा थीटा 90, तो तुम जज कर सकते हो। अब यहाँ जो इंटेंसिटी होगी लाइट की अगर वो आई डैश है तो अभी हम पोलराइजर इसको मानेंगे, एनालाइजर इसको मानेंगे, दोनों के बीच एंगल थीटा 90, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर I0/2, इंटेंसिटी जो आ रही है वो I0/2, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा 90, तो व्हाट वी गेट 0, इधर से कुछ नहीं दिखेगा, इंटेंसिटी 0। तो तुमसे सवाल पूछा जाता है क्या ये पॉसिबल है कि P1 और P2 के बीच में कोई तीसरा पोलराइड P3 हम ले आए जिससे कि इमर्जेंट इंटेंसिटी आई डैश जो कि अभी 0 है वो 0 ना रहे कुछ मिल जाए। तो हम जवाब देते हैं हाँ पॉसिबल है। जैसे हम जवाब देते हैं पॉसिबल है तो बोलते हैं कि मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, किस सिचुएशन में मैक्सिमम होगी। अब तुम्हारे पास तरीका एक तो मैक्सिमम मिनिमम लगाओ एक हिडन ट्रायल मेथड। मैक्सिमम मिनिमम इस फॉर्मूले को लेकर अगर तुम लगाते हो तो थीटा की ऐसी वैल्यू निकाल सकते हो जिस पर वो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। यहां पे मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूं कि अगर दोनों के बीच एक तीसरा पोलराइड लगा दिया जाए जो दोनों से इक्विइंक्लाइंड है, इससे भी 45 डिग्री बना रहा है, उससे भी 45 डिग्री बना रहा है पोलराइड नंबर 3, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। यहां से आई इंटेंसिटी I0/2 इस पर गिरेगी, इस पर गिरने के बाद जो लाइट निकली I" उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये फॉर्मूला लगा है I0/2 cos स्क्वायर दोनों के बीच का एंगल 45, cos स्क्वायर 45 इज 1/2, सो व्हाट वी गेट I0/4। अब हम बात करते हैं इससे आगे की, इन दोनों की बात करते हैं, इस पर अगर गिर रही है I0/4 दोनों के बीच का एंगल 45, तो I0/4 cos स्क्वायर 45, नाउ दिस I' बिकम्स I0/8 एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी तरीके से इससे ज्यादा इंटेंसिटी उधर निकलने वाली नहीं, उसको तुम मैथमेटिकली वेरीफाई कर सकते हो। इसको तुमने cos स्क्वायर थीटा लिखा तो उसमें 90 माइनस थीटा करके उस इंटेंसिटी को निकाल सकते हो। तो कोशिश करके देखना, इसको तुम एक बार में परमानेंटली समझना चाहते हो हमेशा के लिए मेसर्स लॉ को, तो मैंने एक डिस्प्ले बनाया था 2012-13 में, आज भी लगा हुआ है लैब में, मेरी राइटिंग में लिखा हुआ है इसमें। उस डिस्प्ले में तुम चाहो तो उसको प्रोजेक्ट की तरह अगर स्कूल में मांगा इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट तो तुम सबमिट कर सकते हो, बनाना सिखा देता हूँ। ये उस समय की बात है जब बंसल क्लासेस से 21 टीचर की टीम यहाँ LN में आई थी, तब मैं काउंसलिंग में बैठा था और उस समय पर बच्चों को ये डिस्प्ले हम दिखा रहे थे, उन बच्चों को जिन्होंने पढ़ लिया था मेलस लॉ, यानी 13 वाले बच्चों को दिखा रहे थे।
तो उसमें लिखा था क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट सूट्स यू द बेस्ट, और उसका जवाब छुपा हुआ था। तो डिस्प्ले कैसे बना तुम सोचो, एक प्लास्टिक की शीट आती है बाजार में, उसको बोलते हैं सन पैक शीट। ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट खंभे पे लटका देते हैं ना, प्लास्टिक की शीट नालीदार, बीच में छोटी छोटी नालियां उसमें होती है, उसको बोलते हैं सन पैक शीट। तो मैंने सन पैक शीट का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, A4 साइज का टुकड़ा एज बेस मटेरियल, एक पॉलरॉइड निकाला घड़ी से, पॉलरॉइड शीट घड़ी के ऊपर, तुम अंदाजा लगा लो साइज क्या होगा उसका, एक पॉलरॉइड निकाला कैलकुलेटर से, एक पॉलरॉइड निकाला वीडियो गेम। तो सबसे बड़ा कौन सा? वीडियो गेम वाला, उससे ज्यादा लंबाई में कैलकुलेटर वाला, और सबसे छोटा घड़ी वाला। मैंने उस सनपैक शीट पर जो A4 साइज की थी यहां पे लिख दिया, सफेद रंग की थी, काले रंग से लिख दिया एलन। लिखने के बाद डबल साइडेड टेप, समझते सब लोग, डबल साइडेड टेप की एक कतरन यहां चिपकाई, एक यहां चिपकाई, और इसके ऊपर वो जो घड़ी वाली पॉलरॉइड शीट थी उसको लगा दिया, कवर कर दिया, ठीक है। अब डबल साइडेड टेप में तीन लेयर ली मैंने, एक के बाद एक के बाद एक, मोटा कर लिया उसको, और फिर से यहां लगाई इसके ऊपर तीन लेयर मोटी, जिससे बीच में गैप आ जाएगा। और जो मेरे पास वीडियो गेम वाली सबसे बड़ी वाली शीट थी उसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया। सिचुएशन क्या, जो घड़ी वाली थी उसका पास एक्सेस था ऐसे, और जो वीडियो गेम वाली उसका पास एक्सेस ऐसे, क्रॉस। तो अब क्या दिखेगा ऊपर से? कुछ नहीं, 90 डिग्री हो गया ना। उससे पहले चले अगर फर्स्ट स्टेज में, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, मान लो अभी मैंने वीडियो गेम वाली नहीं लगाई, सिर्फ घड़ी वाली लगाई, अगर जाने वाली लाइट की इंटेंसिटी I0 है, सुनना ध्यान से, जाने वाली लाइट की इंटेंसिटी I0 है, तो ये अजम्पशन मान लें कि ये सरफेस 100% रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये जो लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? I0/2 क्या I0/4? इस चीज को समझ लो, जब लाइट एंटर कर रही है फर्स्ट टाइम अनपोलराइज लाइट, तो एक बार पोलराइज हुई, पोलराइज से निकली, तो कितनी हो गई इंटेंसिटी? I0/2। I0/2 सफेद सरफेस पे टकराई, वापस रिफ्लेक्ट हुई, 100% रिफ्लेक्ट हुई, I0/2 वापस आ रही है, रास्ते में फिर से पोलराइड आ गया, जो च्युइंगम चबा रहा है पीछे बच्चा, अरे तुम सीखना नहीं है क्यों आते हो? और कैसे सीख लोगे उधर उससे डिस्कस करते हुए, मैं कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ उसको कैसे सीख लोगे? ऐसा चमत्कार तुम्हें आता है तो मुझे सिखाना बाहर आके, मैं भी सीखना चाहूंगा ऐसा चमत्कार, कि बिना ध्यान दिए कैसे सीख सकते हैं, बाकी सारे बच्चों को सिखा देंगे। तो यहाँ पर वो जो रिफ्लेक्ट होकर आई लाइट, उसका प्लेन वही है जो जाते वक्त था, उसके पैरेलल है पास एक्सिस के, तो अब दोबारा उसमें कुछ कटौती होने वाली नहीं है, वापस जो दिखेगी वो I0/2 दिखेगी, समझ गए? I0/4 नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, वो जो कैलकुलेटर वाली शीट थी अब लगा दिया ऊपर, एक बड़े वाली, बीच में जो गैप बन रहा है कैलकुलेटर वाली में, साइड में टेप लगाकर ऐसा अरेंजमेंट बनाया, उसको हिंज कर दिया यहाँ पे, कि मैं उसको मूव करा सकता हूँ इन दोनों के बीच में, हिंज कर दिया, इट कैन बी मूव्ड। तुम अजम्पशन ले सकते हो कि ये एंगल इन दोनों से बनाएगी इक्विनक्लाइंड, 45 डिग्री एंगल बनाएगी अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा मान सकते हो। तो जहां कुछ भी नहीं दिख रहा था, जब ये आ जाती है तो वहां दिखना शुरू हो जाता है, जहां जहां से गुजरेगी वहां दिखेगा। तो बच्चों को ही पूछते थे, विच इंस्टीट्यूट सूट यू द बेस्ट, पता लगाओ इसको, घुमाओ, वो देखते थे फिर LLEN, ठीक है। तो अब इसका जो लॉजिक है वो तुम्हें पकड़ में आ गया। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि जो इंटेंसिटी अब तुमको दिख रही है, अगर जाने वाली इंटेंसिटी I0, तो मेलस लॉ लगा के बताओ, जिस इंटेंसिटी का ये लिखा हुआ तुम देख पा रहे हो वो इंटेंसिटी क्या है? तुम लोग बहुत जल्दबाजी करते हो, थोड़ा पॉज लिया करो, सोचा करो, कितनी बार पोलराइजेशन हो रहा है, मेलस लॉ कितनी बार लग रहा है ना, थोड़ा सा पॉज लेके
जो कॉन्फिडेंट है हाथ ऊपर करके बताओ। हाँ, आइज रबाय एट और कोशिश करो, 16 और कोशिश करो। द करेक्ट आंसर इज आइज रबाय 32। मैं समझा रहा हूं कैसे। लाइट आई, सबसे पहले कौन सी स्क्रीन? वीडियो गेम वाली। कितनी रह गई उससे निकल के? आइज रबाय 2। वो आइज रबाय 2 इस पर जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं सिर्फ इस कॉमन पोर्शन से। इस पर जाएगी I04, फिर वो जाएगी घड़ी वाली पोलराइट शीट पर I08। ये I08 जाके सफेद बाउंड्री पे टकराएगी, पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी रिफ्लेक्ट होगी I08। वापस से घड़ी में से निकलेगी, पूरी की पूरी निकल जाएगी, क्योंकि प्लेन वही है, I08 निकल जाएगी। अब ये I08 फिर से आएगी इस पर, प्लेन चेंज हो चुका है उसका, तो घड़ी वाले के साथ कैलकुलेटर वाले का जो एंगल 45 डिग्री है, उसकी वजह से I0/16 फिर से एंगल चेंज हो चुका है। अब ये कैलकुलेटर वाले के साथ जो वीडियो गेम वाले का एंगल है, फिर से 45, तो I0/32। इज इट ओके? समझ में आया? पोलराइजेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। 5-10 मिनट का कंटेंट और बच गया, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड यूजेस ऑफ पोलरॉइड्स, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शुरू करेंगे, और वो क्वेश्चन 10.4 अभी फिर रह गया है, तो तुम्हारे पास एक और मौका है। जिन्होंने भी कम तैयार किया है उसको तैयार कर लो, एक बार और पढ़ के आ जाओ। जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है पार्ट डी और ई, दोबारा पढ़ के आ जाओ। ओके, थैंक यू।